भाई सत श्री अकाल, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल हरप्रीत सिंह फतेह। हम बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं चढ़ाई। तो आज हम आपको दिखाएंगे जो असम पुलिस है उनके हाथ में इतनी बड़ी कामयाबी लगी है, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो 3.5 टन 4 टन गांजा पकड़ा उन्होंने। 3.5 टन गांजा पकड़ा, वो आगे टैंकर में पकड़ा। 10 चारी टैंकर था भारत पेट्रोलियम का, वो यहाँ से निकल गया था, ये त्रिपुरा वाला नाके से पार कर गया था वो, क्योंकि चेक नहीं करते ना टैंकर को। तो वो आगे वाला जो नाका था वहाँ पे पकड़ा गया, वो 3.5-4 टन गांजा पकड़ा गया है, तो साइड पे लगा हुआ है। जब यहाँ से जाएंगे आगे आगे वाले नाके पे, वहाँ पे दिखाएंगे आपको। सुबह पकड़ा था वो, तो अगर वहीं पे हुआ तो दिखाएंगे आपको। मेरे पास फ़ोटो वगैरह पड़ी हुई है, तो वो डालेंगे, दिखाएंगे आपको पूरा कंप्लीट। अभी ये चेकिंग वगैरह पूरी होगी, 4-5 गाड़ियों के पीछे नंबर है हमारा। ये अपना ये गाड़ी है, ये भी हैदराबाद जा रहा है, हैदराबाद का रबड़ी है ना आपका भी। हाँ, दोनों गाड़ी ये भैया बोलते हैं इधर से जाएंगे हम खड़गपुर होके पानागढ़ होके, देखेंगे अगर हमारा भी मूड बन गया तो साथ में चलेंगे, तो हमें भी ले चलना साथ में इधर से क्या। हम भी चलेंगे इसी साइड से, देखते हैं। सभी बोलते हैं खड़गपुर होके इधर से पानागढ़ होके रीवा कटनी वगैरह, या रीवा कटनी उधर से नहीं जाना, टाटा रांची होके इस साइड से ठीक रहता है, तो उसी साइड से देखेंगे। खोलो तिरपाल, खोलो आगे से, आप चेकिंग करवा लो। पे इस थाने में पकड़ा है, यहाँ पे असम बॉर्डर, यहाँ वालों ने पकड़ा है वो टैंकर, वो दिखाते हैं आपको टैंकर यहाँ पे। तो मतलब कि सुबह बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे, दिखाएंगे आपको। इस टैंकर में से निकला, चक्कर में कोई किसी के चक्कर में बहुत ही बढ़िया काम करते हैं वैसे ये, लेकिन इनकी वजह से हमें भी बहुत दिक्कत होती है। ये देखो HR नंबर भी, ये सिर्फ गांजे वाले गाड़ियां होती हैं जो पकड़ी जाती हैं यहाँ पे, कितनी गाड़ियां पकड़ी हुई हैं ये देखो। ये सामने ऊपर थाना है, ऊपर वाले में ऊपर थाना है यहाँ पे, ये देखो कितनी गाड़ी मगर पकड़ी हुई है इन्होंने। ये सामने थाना है चिराईवाड़ी असम गेट, ये सारी साइड में भी ये चेकिंग चल रही है, सारी गाड़ियाँ चेक होंगी। तो फिर ये देखो इस साइड में भी सारी, मतलब कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी हुई हैं, ये अभी चेकिंग चल रही है, चेकिंग करेंगे तो फिर छोड़ेंगे। ड्राइवर भी बहुत क्या बोलें, इतना कुत्ता काम करते हैं, गंदा काम करते हैं ना। अब चेकिंग करके ऊपर चेकिंग हो रही है, ये अपनी खड़ी है, दूसरी अभी उसी बॉर्डर पे हमारी, ये सारी पकड़ी हुई हैं गाड़ी, देखो कितनी गाड़ियां पकड़ी हुई हैं। ड्राइवर भी दिखाएंगे आपको वो टैंकर का, तो सारा सामान पकड़ा हुआ वो भी दिखाएंगे अभी। ये देखो भाई, ये बॉर्डर वालों का स्यापा है, बॉर्डर वालों का क्या बोलें बेचारे, उनकी ड्यूटी है, लेकिन हमारे ही ड्राइवरों का रंडी रोना रहता है जब, तो फिर हमें भी उनके साथ ही रंडी रोना रोना पड़ता है। कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत होती है, देखो इतने बढ़िया से त्रिपाल डाले हुए थे वहाँ से, यहाँ पे खुलवाए त्रिपाल, चेक किए, सुबह टैंकर पकड़ा था दोनों गाड़ी उसका कर दिया हमने त्रिपाल, अभी ये रहेगी इसको करके चलते हैं अभी। बाईपास देखो भाई, चाय पत्ती के पूरे बने हुए पहाड़ देखो भाई, चाय पत्ती लगी हुई सारी इसके ऊपर, दोनों साइड में चाय पत्ती है, इस साइड में भी, इस साइड में भी, और इतनी ब्यूटी लगती है ना, खूबसूरत लगते हैं, क्या बताएं आपको। जो शाहरुख खान फिल्में बनाता ना, ये करता वाला, वो यहीं पे बनाता है, शाहरुख खान फिल्में यहीं बगानों में बनती है, जो ये बगान है ना असम के, इनमें बनती है, जितने भी हैं इनमें, कहता सिमरन 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 वाला, ये सारा इधर से ही बनता है, ये सारे वही हैं। तो भाई देखो यहाँ पे होती शूटिंग, तो जा रहे हैं आगे,
गाड़ी पलटी हुई थी कल, टमाटर वाली आगे, तो उसी के कारण जाम लगा हुआ है। दिखाएंगे आपको वो भी। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, वो सामने दिखाते हैं आपको पूरा। तोबा तोबा तोबा, ओए देखो ये मैं खड्डे देख के गड्डी मेरा भी ओए जाते जाते परे जाते अपनी साइड जाते अपनी साइड गड्डी जाते अपनी साइड और जाते आंदे मेरे साइड आंदे मेरे साइड आंदे मेरे साइड वाह वाह मैं ना रुक जा मैं ना भाई ये देखो भाई खड्डे चल चल आंदे बहुत ही बड़े बड़े खड्डे हैं भाई चल 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 ये देखो भाई खड्डे बुरी हालत है रोड की ओए ए बच गया डंडा चल चल जान दे उल्टा गड्डी कि कहाँ पे गड्डी लगाई है इस साइड में देखो भाई बहुत ही खस्ता हालत है रोड की भाई क्या करेंगे गाड़ी वाले भाई यहाँ पे ए वो देखो गाड़ी ओ देखो ये देखो भाई ये देखो भाई ये देखो कैसे गाड़ी अभी आएगी ये वाली भी देखो भाई इधर रख के आने दे निकल जाएगी आने दे इधर काट रास्ता बहुत बुरी हालत है रास्ते की बहुत बुरी हालत है ये देखो भाई निकल गया आने दे अब ये देखो भाई गाड़ियों की हालत कितनी खस्ता है जाने दो आपकी गाड़ी में कौन है आगे में है कोई क्या जाम लगा गया गाड़ियाँ आ रही हैं इधर काटो इधर इस साइड में काटो यहाँ पे मीडिया वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे कोई मीडिया नहीं है कोई कुछ नहीं है इसीलिए ये रास्तों की हालत होती है और एंट्रियाँ देखो इनकी जगह जगह पे इन्होंने मुंह खोले हुए हैं एंट्रियाँ मांगते हैं जितने भी ठाणे हैं ना ये देखो छोटी गाड़ी वाले का ये देखो टायर देखो छोटी गाड़ी वालों के कैसे आराम से बेचारे उतार रहे हैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी यहाँ पे भाई बहुत ही क्या करना अभी आने दो अपनी दूसरी अभी क्या करें इसको भी अभी ये वाली आ रही देखो बड़ी वाली गाड़ी इस साइड में रखना भरावा गड्डी इधर इधर रख थोड़ी करेगा पीछे रुकते नहीं हो तुम मरते नहीं हो मां आई है पीछे रुक जाओ तुम गड्डिया निकल आंदे हो फल काली पेजी तू भी हाले आंदे दौड़ते अगे ये नहीं कहते अं उ रुक जाइए पिछे वो आने देना भी इधर से निकलेगी इधर से पीछे रुक जाते उधर तो ये वाली निकल जाती आने दे इधर से अभी निक्की गड्डी जा रही तेनों क्या हूँ आने दे बहुत ऊपर आने दे निकल गया चल 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 भाई देखो भाई टायर ही उड़ जाते हैं क्या करें ओह गर्मी भी इतनी है क्या करें वहाँ पर लटकाना पड़ेगा गाड़ी को पीछे नहीं तो फिर ऐसे ही काम चलेगा आने दो इतनी खस्ता हालत है रोड की भाई बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है भाई क्या बताएं यार इतनी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है वो देखो ये देखो भाई ये टायर देखना बहुत वो देखो टायर ही उड़ जाते हैं ऊपर देखो इतनी खस्ता हालत है बहुत ज़्यादा यार ये देखना यहाँ पे जो जो गाड़ी आएगी इसके टायर ही उड़ जाएंगे एक मिनट चलो स्टार्ट ये अपनी वाली देखो डंडा कहाँ तक ये देखो भाई डंडा पूरा लग चुका है अब दूसरी वाली है तो आन दे बढ़ा के आन देना इधर इधर से बढ़ा के आंदे ना
बढ़ा के फिर कर दे कर दे। बुरी हालत है भाई रोड की, बहुत मुश्किल है, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट मीडिया वगैरह कुछ नहीं करती, क्या करें, बहुत ही बुरी हालत हो रही है। देखो चूती है गवर्नमेंट है यहाँ की, उसे निकलती गालियां बहन जो फिर भी एंट्रियाँ लेते हैं बस इंडिया तो, और मुश्किल ये देखो भाई नहीं क्या करेंगे डर यहाँ क्या भी करेंगे यहाँ बहुत ही बुरी हालत हो रही है। देखो हमारे आगे राजस्थानी वो गाड़ी आ रही थी, उसका टायर ब्लास्ट कर गया मेरे हिसाब से, यहाँ पे कुछ लगा उसको तो ब्लास्ट किया उसने टायर, अपनी जगह रख पड़ी, कोई चक्कर नहीं अपनी जगह रखा है, चल 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 तो आगे जा रही है गाड़ी ये देखो जितना भी जितनी भी दूर है सारी उसकी है, वो आगे गाड़ी जा रही है राजस्थान की, उसका टायर ब्लास्ट हुआ मेरे हिसाब से, कोई पता नहीं कौन सा वाला हुआ है, खड्डा ही बहुत बड़ा बड़ा है, पत्थर ही बहुत बड़े बड़े हैं, क्या करें, ये नीचे से आ रही है गाड़ी। बहुत गर्मी है भैया, बहुत बहुत बुरी हालत है भाई, जाने जाने चुंज वाले पत्थर पटैर नहीं जाना, इन क्या होना अगे ला कि सैड दे आ जा अगे हूँ आस्ते आस्ते रुक जा खड्डे च नहीं पटैर रोकी होंगे मेरा भीर, बराबर रोकी होंगी गड्डी समझे नी, का हो गया टायर पड़ गया 62-17 का, तो अभी देखो जा रहे हैं कितने साल की गाड़ी चलाते हैं, चलो यार क्या करना, जाम गर्मी देख सकते हो आ रहा था हमारी, आप बहुत खासा हाल था भाई गर्मी में, क्या बताएं आपको, पसीने पसीना एसी भी काम काम कहाँ करेगा क्योंकि जाम लगा हुआ है, 2 मिनट के बाद बंद करना पड़ता है, जाना इसी दा भरावा इसी दा, मेरी हवा भी किधर जा रही है। मामी जगत मामी ये जगत मामी है, मामी ने अपने बच्चों के नाम भी कैसे रखे हुए हैं, जेके एचआर पीबी ओ एचआर नहीं एचपी जेके पीबी एचपी नाम रखे हुए हैं मामी ने, तो अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे मामी के पास, सुबह निकल के चले हुए हैं, समझो अलग अलग चल रही थी गाड़ी, यहीं पे हमारा साथ दोबारा कंप्लीट हुआ है, तो अभी हम एक साथ में निकलेंगे गुवाहाटी, गुवाहाटी पहुँचे निकलेंगे देखेंगे आगे का, जाना किधर हूँ अगे उधर श्रीरामपुर, ठीक है फिर हम डलवा रहे हैं तेल यहाँ पे, पहुंच चुके हैं अपना बरनी यार्ड में, तेल शेल देखो ये कैसे रोनके लगी हुई है, अभी टाइम हो गया क्या बोलते हैं 2:45 का टाइम है, फिर भी इस पंप पे रोनके लगी हुई है, देखो कोई इधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है, घुमा के गाड़ी किसी ने उधर लगाई है, सारे चारों पास गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, ये जम्मू वालों का पंप है और नीचे में अपना ढाबा भी है अपना बताया था आपको, हाँ अभी टाटा वाली ने खाया तेल हमारी, इसने खाया टाटा वाली ने 338 लीटर, लेलैंड ने खाया 330 लीटर, तो अभी दूसरी वाली फुल करवाएंगे, जो साइड वाली है वो भी करवा रहे हैं तो ये भी करवाएंगे, ये देखो भाई ये 2 लीटर की बोतल भरी है हमने, 2 लीटर की बोतल है, तो 2 लीटर तेल डाला हमने डीजल बीच में, ये पंप है जिसको हम अपना जम्मू वाला सरदार जी का पंप बोलते हैं, और मेरी टैंकी जो है 390 लीटर की टैंकी है ट्रक की, उसमें कभी 1 लीटर ऊपर नहीं आया, जब बनवाई थी तब 390 लीटर आया था, आज 400 लीटर तेल डल गया इस पंप के, वो ये बोतल भी दे सकते हो आप, ये मैनेजर साहब ही हैं, ये देखो मैनेजर साहब आप क्या राय इस पे क्या बताते हो, क्या चक्कर हो सकता है तो बताओ ना हमें, कुछ नहीं बोल रहे हैं भाई, गलती पे थोड़ी बोलता कोई, गलती होगी फिर थोड़ी बोलता कोई, डायरेक्ट क्यों नहीं आएगा भैया, दूसरी बोतल ले लेते हैं, दूसरी बोतल ले लेते हैं,
नाप क्यों ना, हम वो नाप क्यों लें आपका, हम अपना नाप लेंगे ना, हमारी टैंकी जो यार वो वीर मेरे यहाँ में कितने बारी भर के गया तू, वो पहली बार थोड़ी भर के जाए कर दे तू, वही हर बार मेरे को ਇਹਦੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਦਾ ਤੇਲ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ, ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਚ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ 50 ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਪੰਪ ਤੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ 80 ਕੋਲੋਂ 50 ਭਾਈ ਇਹੀ ਪੰਪ ਜੋ ਹਮ ਇਸਕੀ ਹਮ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭੀ ਇਸੀ ਪੇ ਤੇਲ ਡਲਵਾਤੇ ਆ, 390 ਲੀਟਰ ਕੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ, 400 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਡਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਬੋਤਲ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ, 2 ਲੀਟਰ ਕੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 2 ਲੀਟਰ ਕੀ ਬੋਤਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ 2 ਲੀਟਰ ਕੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ 2 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੈ, देखो कहाँ पे है ये 2 लीटर तेल, तो अभी तो दोबारा तो हम आएंगे नहीं भाई, इस वाली नोयल से तो बिल्कुल मत डालो तेल, जो ये वाली पहली बात तो आना ही नहीं है इस पंप पे, आगे बहुत सारे पंप हैं, आगे लगाओ यहाँ पे मर्जी तो तेल डलवाओ, यहाँ पे मत लगाओ, सीधी बात है, ये अभी भी यहाँ पे होगा, दिखा देते हैं आपको, अभी कट कर दिया ए...